Bhagavate Vasudevaya. तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग थोड़ा हरि कथा का श्रवण कीर्तन कर सकेंगे. सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसका समय भगवान के कथा कीर्तन के श्रवण में बीतता है. नहीं तो केवल खाने में, सोने में, बाल बच्चा पैदा करने में और अपना रक्षा करने में जो समय गंवा देते हैं, उनके लिए यह समय का व्यय है, समय की बर्बादी है. हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. समय हमारे हाथ में नहीं है, हम समय के हाथ में हैं. इसलिए जो भी समय अपने पास है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का कथा और कीर्तन सुनकर करके. खाना पीना तो कोई कर सकता है. एक चिड़िया, एक गाय, एक सुअर, सब लोग इसमें लगे हुए हैं. भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे थे कि नायम देहो देह भाजा निर्लोके काष्टान कामात अरहते बिडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम. हे पुत्रों, न अयम देहो, हम यह देह नहीं है. हम कहते हैं हमारा देह है, हम देह नहीं है, ये हमारा देह है. बात सही है ना, है कि नहीं? हम कहते हैं हमारा देह है, हम देह नहीं है. तो इसी बात को भगवान ऋषभदेव कहते हैं, न अयम देहो, हम यह देह नहीं है. देह भाजा निर्लोके, लेकिन इस संसार में, निर्लोक में, हम लोगों को ये देह प्राप्त हुआ है. ये देह हमको अपने से नहीं मिला है, हमारा इच्छा नहीं था. हमको ये देह प्राप्त किए, हम देह प्राप्त किए अपने इच्छा से नहीं, हम लोगों को देह दिया गया है. इसलिए भाजाम कहा गया है. भाजा मतलब प्राप्त हुआ. तो नायम देहो देह भाजा निर्लोके, इस संसार में हमको यह देह प्राप्त हुआ. पहला नंबर तो हम देह नहीं है और यह देह हमको दिया गया है. जैसे अभी हम रांची से आए तो रामप्रिय प्रभु हैं, ये इनकी गाड़ी है, तो इनके गाड़ी से हम यहाँ पर आए. तो यह समझना कि ये गाड़ी मेरा है, ये हमारी मूर्खता है. ये तो हमारे उपयोग के लिए इन्होंने दिया है. और ये गाड़ी का उपयोग क्या है? जमशेदपुर आना, भक्तों से मिलना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना. यदि हम अपने लक्ष्य को न जान करके गाड़ी का ही देखभाल करते रहेंगे, जो हमारा है भी नहीं, उसी को पोछते रहेंगे, डीजल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, टायर देखेंगे और आरती करते रहेंगे डेली उसका, तो क्या फायदा? जो तो अपना है भी नहीं. तो वैसे ही ये देह हमारा है ही नहीं, ये तो हमको दिया गया है. इस देह पर हमारा थोड़ा भी बस नहीं है. यदि यह देह हमारा होता तो हमारे अनुसार काम करता, लेकिन हम में से किसी का देह हमारे अनुसार काम नहीं करता है. हम में से यहां पर कोई नहीं है जो कि सोचता है कि मैं बीमार हो जाऊं. कोई बीमारी मांगता है? कोई कहता है भगवान हमें खूब बीमारी दे दो, मैं बीमार होना चाहता हूं? कोई कहता है?
सब कहते हैं भगवान हम बीमार न हो, कोई दुख नहीं मांगता है, सब लोग सुख मांगते हैं, कोई नहीं चाहता है कि देह में रोग हो, कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़ा हो, सब जवान रहना चाहते हैं। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ा जरूर जल्दी होना चाहते हैं, कैसी विडंबना है, छोटे बच्चे हैं वो बड़ा होना चाहते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो बुढ़ा नहीं होना चाहते हैं, वो जवान रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब हमारे बस में नहीं है, हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा को प्राप्त करेंगे। जब बाल उजला होने लगता है तो आजकल तो शहरों में बहुत लोग बाल को काला करते हैं, अरे बाल काला करने से जवान रहोगे, बुढ़ा के बुढ़े ही होंगे, बाल काला करने से क्या फायदा। हम लोग तो बाल सेविंग करा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कि उजला है काला है, सिंपल चीज है। तो बुढ़ापा ये दुख है, जन्म दुख है, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन मरना तो सबको पड़ेगा। तो ये सब प्रमाणित करता है कि यह देह हमारा नहीं है, नायम देहू देह भाजा निलोके। तो भाई ये देह क्यों दिया गया है, देह हमको क्यों प्राप्त किया गया है, प्राप्त हुआ है, ये खाने पीने सोने बाल बच्चा पैदा करने के लिए देह नहीं मिला हुआ है, जो कि हम लोग कर रहे हैं आज। हम लोग ये चार के अलावा पांचवा काम नहीं कर रहे हैं, खाना खाने के लिए काम कर रहे हैं। पहले ये मान लो खेती करते थे, आजकल फैक्ट्री में खेती होती है, प्लास्टिक बनाते हैं, लोहा बनाते हैं, किस लिए, पैसा मिलेगा खाने पीने के लिए। तो खाना खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना अपना रक्षा करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कहते ये तो कोई प्राप्त कर लेता है, काष्ठान कामात अरहते बिड भुजाम जे, बिड का मतलब होता है मल और भुजाम मतलब खाने वाला। मल खाने वाला कौन है, कौन मल खाता है, सुअर। तो ये तो काम सुअर भी कर लेती है, सुअर भी खा लेते हैं, सुअर भी बहुत बच्चा पैदा करते हैं, सुअर भी अपना रक्षा करते हैं। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो क्या करना चाहिए भाई। तो भगवान ये शब्द कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम। हे पुत्रों, तुम लोग तपस्या करो, तपस्या से क्या होगा, शुद्ध्यम। तपस्या करने से हम शुद्ध होंगे और शुद्ध होकर के अनंत सौख्यम आपनुति, अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। हम सब लोग सुख चाहते हैं, तो सुख जिसको प्राप्त करना है वो दिव्य तपस्या करने पड़ेंगे। कलयुग में ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये चार नियम का पालन करना, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, प्राय स्त्री या प्राय पुरुष से कोई संबंध नहीं रखना, जुआ ताश चौपड़ नहीं खेलना, शराब इत्यादि नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, गंजा नहीं पीना, भांग नहीं लेना, ये बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में। एक बार एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति से बात हो रहा था, तो उसने कहा कि यदि हम भगवान के धाम में जाएंगे वहां चाय मिलेगा कि नहीं। भगवान वहां चाय नहीं मिलता है, तो तब हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। उसको चाय से बड़ा प्रेम था। ये बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का नाम लेना। जिह्वा से हम दिन भर बकवास करते रह जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने पर जिह्वा टेढ़ी हो जाती है, भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। और सिंपल नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। अभी देखना इलेक्शन आएगा, सब पार्टी वाले भोंपू लगाकर खूब बोलेंगे। अरे भोंपू लगाकर भगवान का नाम बोलो, सबका कल्याण हो जाएगा, ये नहीं करेंगे। तो जिह्वा की सार्थकता है भगवान का नाम लेने में।
ये बड़ी तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम, तपस्या करनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना इसीलिए हुई है। हम लोगों के पास ये मनुष्य का देह है, भगवान के धाम जाने के दो साधन हैं, मनुष्य का देह और सत्संग, दो चीज। ये दो वस्तु बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का देह प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख जोनि में भ्रमण करते 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 ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ। दुर्लभ वस्तु को हमें संचित करके रखना चाहिए, हमें उसे बचा कर रखना चाहिए, बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ये दुर्लभ है। निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। निर्देह आद्यम सुलभम, ये मनुष्य का देह हमको यहां पर प्राप्त हुआ है सुलभम, लेकिन कैसा है? सुदुर्लभम। एक बार पैर फिसल गया तो फिर मनुष्य का देह नहीं मिलेगा, वो 84 लाख जोनियों में चक्कर काटना पड़ेगा तब मनुष्य का देह मिलेगा। तो मनुष्य का देह और सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधुरे। गोविंददास कविराज कहते हैं कि दो चीज बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, और दूसरा क्या दुर्लभ है? सत्संग। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधुरे। इस भौतिक संसार को पार करने के दो ही साधन हैं, और आज के दिन हमको वो दोनों प्राप्त है। मनुष्य का देह भी प्राप्त है और सत्संग भी प्राप्त है। अब यह प्राप्त कर करके जो व्यक्ति संसार को पार नहीं करता है तो बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख नंबर एक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ सत्संग, मनुष्य का देह तो आप हम सबको प्राप्त हो गया है, लेकिन सत्संग, ये कलयुग में सत्संग नहीं मिल रहा है। तो उसके सत्संग के लिए हमारे गुरु महाराज भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद जी ने सत्संग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किया कि भक्त लोग घर घर जा करके लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देते हैं, मंदिर बुलाते हैं, इस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं। अभी कल नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी मनाया गया, आप में से कितने लोग कल आए थे? बहुत अच्छा। तो कल नित्यानंद प्रभु का जन्मदिवस था। ये पूरा साल जो है सब भरा पड़ा हुआ है विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों से। भारत जो था, भारत आनंद का विषय है। लोग कहते थे कि भारत सोने का चिड़िया है, क्योंकि भारत में ये आनंद प्राप्त होता है। आनंद इन उत्सवों से प्राप्त होता है। प्रत्येक महीना कुछ न कुछ उत्सव हैं। अभी यह बीता, अभी अगले महीने देखेंगे मार्च में तो होली आएगा, दोल पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा आएगा, वही फेस्टिवल है। अप्रैल में जाओगे तो आ जाएगा रामनवमी, वो भी आनंद का विषय है। मई में जाओगे अक्षय तृतीया आएगा। इस प्रकार से आप जोड़ते जाओ तो प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ है। बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी, ऐसे सब कुछ, राधाष्टमी, कार्तिक, तो पूरा साल जो है आनंद के लिए है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ लोगों को आनंद का वितरण कर रहा है, जो कि लोग चाहते हैं। किसके द्वारा? माध्यम क्या है? सत्संग के द्वारा। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से जुड़ रहे हैं, और
बड़ा सौभाग्य का बात है कि हम भारत वर्ष में जन्म लिए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारतीयों के लिए दो काम है, जो भारत वर्ष में जन्म लिए हैं उनके लिए दो काम है। एक काम है अपने जीवन को सार्थक करो, जन्म सार्थक करी। मानव देह मिला हुआ है, इसको सार्थक करो जिसके लिए मानव देह दिया गया है। और दूसरा काम क्या करो, परोपकार करो। पहले सार्थक करो और तब लोगों के जीवन को भी सार्थक कराओ, वह है परोपकार। एक होता है उपकार और एक होता है परोपकार। उपकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष को जो नीडी है, जरूरतमंद है, रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था कर देना, ये उपकार कहलाता है। लेकिन परोपकार का मतलब होता है भगवान से उसके संबंध को जोड़ देना। खाना पीना सबको प्राप्त है लेकिन भगवान से संबंध सबको प्राप्त नहीं है। तो असली परोपकार है कि लोगों को, जीव को भगवान से जोड़ देना। यदि भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो फिर संसार में दुख नहीं रहेगा। और संसार मृत्यु के बाद हम संसार को पार करके भगवान के धाम जाएंगे, जहां पर आनंद ही आनंद है। जब तक से हम भगवान से अलग रहेंगे दुखी रहेंगे, लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद में हम लोग आनंदमय हो जाएंगे। प्रभुपाद जी हमारे गुरु उदाहरण देते हैं मछली का। मछली का नाम सुना आप लोगों ने? खाया नहीं ना? खाया भी है मछली। देखो वो मछली पानी में रहती है। मछली को पानी से आप बाहर निकाल दो, चाहे मछली को पूरे टाटा शहर को घुमाओ मर्सिडी गाड़ी में, चाहे उसको बासमती चावल खिलाओ, चाहे हलवा खिलाओ, वो मछली सुखी नहीं रहेगी। लेकिन मछली को जब ही पानी में डाल दोगे बूम खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है पानी में रहना। और यदि वो मछली पानी में है तो जिसे विपत्ति कहते हैं, जिसे दुख कहते हैं, उस दुख को आसानी से पार कर जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जब पानी का जल का प्रवाह होता है, पानी बहता है, ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, हम लोग जाएंगे तो बूम चिपट जाएंगे इतना ऊपर से। पानी के प्रवाह में, पानी का प्रवाह जब आता है, अब बाढ़ आता है, बाढ़ देखा आप लोग? इधर बाढ़ नहीं आता, इधर कम आता है। जब बाढ़ आएगा तो बड़े बड़े पेड़ को, बिल्डिंग को, हाथी को भी हटा देगा, चपेट लेगा। लेकिन छोटी मछली जो होती है, जो पानी में रहती है, आप लोगों ने देखा होगा जब पानी ऊपर से गिरता है तो मछली बूम बूम ऊपर जाती है, ऐसा ही होता है ना? वो नीचे नहीं जाएगी, पानी के प्रवाह में नहीं जाएगी, पानी के अगेंस्ट जाएगी, पानी के विरुद्ध जाएगी। वही पानी का प्रवाह जो कि बड़े बड़े हाथी को भी प्रवाहित कर सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ देगा, पेड़ को तोड़ देगा, लेकिन मछली का कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मछली जो है वो पानी के शरण में है। तो ठीक वैसे ही यदि हम भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो हम लोग हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों से हम वैसे ही बूम बूम ऊपर चले जाएंगे जैसे मछली चल जाती है। तो आप सब लोग बड़े भारत भर में जन्म लिए ही हैं, लेकिन वो भी झारखंड में। ये झारखंड जो है पुनीत स्थली है, भगवान चैतन्य महाप्रभु इन्हीं रास्ते से गए थे। ये झारखंड के वनों से महाप्रभु गए थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए गए थे। रास्ते में जो ही मिला था उसको उन्होंने कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। वैसे ही जैसे मान लीजिए कहीं कहीं तो
तालाब नदियों में पानी पीने के लिए हाथी शेर बाघ हरिण सब आते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उन लोगों पर जल का छिड़काव करते थे और बोलते बोलो हरे कृष्णा, और सब लोग बाघ शेर और हरिण गला से गला मिलकर के नाचते थे गाते थे। भगवान चेतन महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरुतसे नमः। चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने के लिए आए, उन्होंने प्रेम दिया तो समस्त झारखंड वासी लोग, आप लोगों के पास वो ट्रेजर है, वो संपत्ति है जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पशु पक्षियों को भी दिया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, वही प्रेम आज हम लोगों को प्राप्त है। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ क्या करता है, वो प्रेम आपके पास है लेकिन आप लोग उसको भूल गए हो। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्त लोग उस प्रेम से आपका संबंध स्थापित कर देते हैं। मैं प्राय उदाहरण दिया करता हूं, आप लोग हैंडपंप देखा है ना, हैंडपंप चापाकल, चापाकल तो गर्मी के दिन में कभी कभी चापाकल पानी छोड़ देता है, छोड़ता है ना, तो एक्सपर्ट आदमी क्या करेगा या कोई आदमी एक बाल्टी पानी उसमें डाल देगा और फिर चलाएगा तो पानी पकड़ लेगा। कुछ तो करना तो है नहीं, पानी है लेकिन पानी छोड़ दिया है, एक बाल्टी पानी डालो फिर चलाओ, उसका मुंह बंद कर लो, बल्कि मुंह बंद कर लो, यही करते हैं ना ताकि हवा ना जाने पावे, पानी पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही हम लोगों में कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण की भक्ति है लेकिन पानी अभी छोड़ दिया है, तो क्या करना है, इस सत्संग करना है। और इस चंपाकल का मुंह दबाना है ना, तो हमको मुंह दबाना है क्या कि चार नियम का पालन करना है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं होना चाहिए, अवैध स्त्री या पुरुष संबंध नहीं, जुआ ताश चौपड़ नहीं, मांस मछली नहीं, बीड़ी सिगरेट गंजा भांग ये सब नहीं करना, वो मुंह दबाना है बस, पानी आ जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा है जिसको श्रील प्रभुपाद जी वैसे ही किए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किए। जैसे आप देख रहे हो कि ये माला जो है कितना अच्छा लग रहा है, इसमें कई एक प्रकार के फूल जुड़े हुए हैं, लेकिन पता है ये माला कैसे बना है, बताओ तो माता जी लोग, ये माला कैसे बना है, हैं? हाँ, ये माता जी चालाक है, वो कहती है धागा में पिरो करके माला बना हुआ है, सूता में पिरो करके माला बना हुआ है, ये फूल अपने आप से चिपका नहीं है, कोई लई से या गोंद से चिपकाया नहीं है इसमें, कैसे माला है, इसको कौन धारण किया है माला को, अभी तो बोला ना सूता धारण किया है, वो धागा धारण किया है, ये धागा होने के चलते अलग अलग कलर के फूल को एक साथ मिला दिया है। वैसे ही ये हरे कृष्ण महामंत्र धागा है, जिस धागा को प्राप्त कर करके प्रभुपाद जी ने विभिन्न प्रकार के फूलों को एक साथ जोड़ दिया, चाहे रशियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी हो, सबको प्रभुपाद ने ब्यूटीफुल माला बनाया भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए, प्रभुपाद ने दिया। तो वैसे ही आज हम लोग भी वही वस्तु हमें आज प्राप्त है, वही वस्तु प्राप्त है आज भी। तो सब लोग कृष्ण का नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये धागा काम करेगा, ये धागा है जो कि माला को पिरोएगा। आपके घर में बड़ी शांति रहेगी यदि भजन करोगे, भगवान का नाम लोगे तो आपके घर में शांति बनी रहेगी,
कोई यहां पर है जो कह सकता है कि मेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होता है कि नहीं होता है ना? सही बोलना, झूठ मत बोलना, कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा है। सब परिवार में झगड़ा होता है। अरे परिवार तो छोड़ो, ये अपने जो देह है ना, इस देह में पांच प्रकार का ज्ञान इंद्रिया है, ये कभी कभी ये भी झगड़ा करते हैं। आपको मालूम है कैसे? कब बताओ? ये हमारी इंद्रियां आपस में झगड़ा करती है। आंख झगड़ा करता है कान के साथ में। कभी झगड़ा सुना है? आंख कान का झगड़ा नहीं नहीं देखा है? आंख का झगड़ा मैं बताता हूं। आप लोग सिनेमा देखने कभी गए हो? कितने लोग हाथ उठाओ सिनेमा देखने वाले हैं? देखो मूवी थिएटर में जाओ सिनेमा देखने के लिए, ठीक है ना? अभी मत जाना, पहले की बात रहे। मूवी थिएटर में जाओगे सिनेमा देखने तो वहां पर क्या होगा? पर्दा एक बड़ा है ना? पर्दे पर कुछ फोटो चल रहा है और कुछ आवाज आ रही है। तो आंख देख रहा है सिनेमा, कान आवाज सुन रहा है। अभी एक सेकेंड के लिए मशीन में खराबी हो जाए और केवल आवाज आ रहा है लेकिन चित्र दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? सिनेमा हॉल में लोग हल्ला करना शुरू कर देंगे। यही करेंगे ना? ये है आंख और कान का झगड़ा। अरे आंख को तो सुनाई तो, कान को सुनाई तो पड़ रहा है ना भाई? कान को सुनाई पड़ रहा है लेकिन आंख को दिखाई नहीं पड़ रहा है, झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़ा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में किसी प्रकार से झगड़ा न हो, तो उसको चाहिए कृष्ण भक्ति को अपनाना। जिस परिवार के केंद्र बिंदु कृष्ण हैं, वह परिवार, उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो बैलेंस रहेगा तो हम गिरेंगे नहीं। वो सेंटर जब इधर उधर का तब हम डगमगा जाएंगे। वैसे ही कृष्ण यदि हमारे केंद्र बिंदु रहेंगे तो हमारे परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा, मनमुटाव, दुख नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूं। भगवान शिव का नाम सुना आप लोगों ने? शिव जी के घर में लोग रहते हैं, पार्वती जी रहती हैं, कार्तिकेय, गणेश और साथ में उनके वाहन रहते हैं। शिव जी का वाहन नंदी है, पार्वती जी के वाहन शेर है, कार्तिकेय के वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है और भगवान शिव के गले में एक सांप लगा होता है, यही ना? तो इतने लोग, चार चार आठ और एक नौ, नौ लोगों का परिवार है भगवान शिव का, ठीक है? अब देखो सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। बैल में और शेर में दोस्ती नहीं होती है, शेर तो बैल को खा जाता है ना। चूहा में और सांप में दोस्ती नहीं होती है, मोर में और सांप में दोस्ती नहीं होती है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान शिव के घर में झगड़ा कभी हो गया। कभी नहीं सुना कि शेर बैल के ऊपर अटैक कर दिया। कभी नहीं सुना कि सांप जो था चूहा को खाने दौड़ा। कभी नहीं सुना कि मोर सांप को खाने दौड़ा। शांति से रहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भगवान शिव दिन भर भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, माला लेकर के राम राम जपते रहते हैं और साधु महात्मा आते हैं तो उन लोगों को हरि कथा सुनाते हैं, बस शांति है। विपरीत परिस्थिति वाले भी शांति का स्थापना करते हैं। कैसे? कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके। ठीक वैसे ही हम लोगों को चाहिए अपने जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण को रखे। ये कहने मात्र के लिए नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आज भी जो भक्त परिवार है, जिनके निष्ठा कृष्ण में है, हमने देखा है बॉम्बे में, दिल्ली में, सब सभी कानपुर में, अमेरिका में भी जो भक्त परिवार है बड़े शांत रहते हैं। क्योंकि भक्ति में क्या है, हमारा फॉर्मूला है, भगवान चेतन महाप्रभु कहते हैं, त्रिणादपि सुनिश्चेन
तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नम्रता, भक्ति तब होगी जब हम में नम्रता होगा। यदि नम्रता नहीं होगी तो भक्ति नहीं हो सकता है। और जो भक्ति करता है, जब दवा खाएंगे तो रोग दूर होगा ही, भक्ति करेंगे तो नम्रता होगी ही। जब नम्रता सह लेंगे, यहां पर तू तू मैं में झगड़ा हो जाता है, तू ठीक है, तू गलती किया, तूने गलती किया, बस झगड़ा हो गया। जो भक्त कहता, भक्त होता है, यदि पत्नी कुछ बोल दिया, कहा भाई ठीक है, तुम्हें ठीक कह रहे हैं, बस खुश हो गई पत्नी। या पति कुछ बोल दिया, पत्नी कहते ठीक है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है, पत्नी बोल दिया तो कैसे बोल दिया हमको, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें सिखाने आई हो, तो हो गया झगड़ा शुरू। या पति कुछ बोल दिया, पत्नी कहती है तुम बकवास करते रहते हो, ऐसे ही बोलते, हमको डांटते रहते हो, दबाते रहते हो, आजकल स्त्रियों में शक्ति आ गई है, हमें बहुत कुछ झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो लोगों में शांति दे सकती है। इसी बात को भगवान भगवत गीता में भक्ति का महिमा बताते हैं। आखिर हम भक्ति भैया क्यों करें, कुछ फायदा मिलना चाहिए तो भक्ति करेंगे, बिना फायदा कोई कोई काम थोड़े करेगा। भगवान क्या कहते हैं, नेह, आप सब लोग हाथ जोड़ लो, अब हम श्लोक शुरू कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं भक्ति का महिमा, हाथ जोड़ो, बोलो हमारे पीछे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, श्लोक संख्या 40, गीता सार। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रतवावो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रयास में न तो हानि होती है, भक्ति करने में कोई हानि नहीं है, न ही ह्रास, न तो थकावट आती है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा करती है। तीन चीज भक्ति करने का फायदा क्या है, तीन चीज कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसे किसी वस्तु की हानि नहीं होती है। दूसरा, थकावट नहीं होती है भक्ति करने में। और तीसरा, यदि थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है तो महान महान भय से उसकी रक्षा होती है। अब तीन ही बातों पर हम लोग आज वार्तालाप करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कर्म का सर्वोच्च दूप दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थाई प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका अस्थाई फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही 1% पूरा किया था, किंतु
भगवान की कृपा से उसे शत प्रतिशत लाभ मिला। इस संबंध में भागवत 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्यो अथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्र अभद्र मुद मौस्य किं वो वार्थ आप्तो अभयताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चय है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो यहाँ पर भगवान भक्ति के तीन फायदे बताते हैं। पहला फायदा कहते हैं, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति। इसमें भक्ति करने में कोई हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। भक्ति जो करता है, देखो आपको लाभ गिनाते हैं क्या क्या लाभ होता है। पहला लाभ शरीर का देख लो, तो जो भक्ति करता है वो सुबह सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है। आजकल ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे उठना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार एक आदमी से मैं बात कर रहा था, कहा कि यदि आप करोड़ों रुपया दोगे तो भी मैं 4 बजे नहीं उठूंगा, क्योंकि मैं सोता ही हूँ 3 बजे, 4 बजे कैसे उठूंगा। तो 4 बजे उठना, जो व्यक्ति 4 बजे उठता है उसको 2 फायदा होता है। जब सूर्य आते हैं ना, सूर्य जो 2 चीज लेकर के आते हैं, एक कहलाता है आभा और दूसरा कहलाता है प्रभा। आभा का मतलब होता है शांति और प्रभा का मतलब होता है धन संपत्ति। जो सुबह सुबह 4 बजे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा वहा करके रेडी होता है और प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान सूर्य आएंगे, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो उसको शांति मिलती है और धन संपत्ति मिलती है। जो 9-10 बजे उठता है, धन संपत्ति मिल जाएगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी, और पैसा से शांति नहीं खरीद सकते हो। शांति प्राप्त करना है तो सूर्य, ए बच्चे लोग बोलेगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा है? चुप रहो, मैं ही बोलूंगा, तुम मत बोलो, तुम लोग सुनो। तो सुबह उठने से और भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है और धन संपत्ति दोनों मिलता है। भक्ति करने से फायदा, भक्त व्यक्ति बन जाता है तो सुबह सुबह स्नान करेगा, दिन में 3 बार स्नान करता है। जो भक्त नहीं होता पता ना, महीना में 1 बार स्नान करेंगे जरा के दिन में, यही बात है। भक्त व्यक्ति बन जाता है, डेली साफ कपड़ा पहनता है। अब जो भक्त नहीं है, वही चादर वही कुर्ता 2 महीने का साल भर चिलर पड़े हुए हैं पूरा उधर गंजी में उधर, और वही पहनते रहते हैं, गंद आ रहा है वही पहनते रहते हैं, ज्यादा अगर परफ्यूम लगा लेंगे, लेकिन गंदा कपड़ा है, यही फायदा हुआ। भक्त बनोगे तो खाने के लिए अच्छा प्रसाद मिलता है, तो ये सब तो शरीर के लिए रहा, और मन के लिए क्या मिलता है।
जो भक्त बन जाता है लोग उसका खूब मान भी करते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े कहो महाराज हरे कृष्णा, अरे प्रणाम करते हैं छोटे बच्चे को भी। वो तिलक घंटी धारण कर लिया है, भक्त हो गया है, सम्मान वो करते हैं। वो बंबई में पुलिस वाले जो है ना, वो ट्रैफिक पुलिस वाले, बंबई का नियम थोड़ा कड़ा है ट्रैफिक पुलिस का, तो कभी कभी वो रेड सिग्नल तोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई बात नहीं, पुलिस वाले का कोई बात नहीं, वहां पर ऐसा बात नहीं है। बड़े से बड़ा मानी भी कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, तो ये सिग्नल तोड़ दिया तो पसीना आने लगता है, डरते हैं वो लोग भी। लेकिन भक्त की गाड़ी का भी सिग्नल तोड़ दिया और कांच नीचे किया, पुलिस देखा भक्त है, भक्त ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे महाराज आप ही गलती करोगे तो क्या गलती कर जाइए। कोई परेशान नहीं करते पुलिस वाले भी, जमराज के समान है पुलिस वाले, बॉम्बे वाले, कोई भक्तों को परेशान नहीं करते। तो मान भी मिलता है, सम्मान मिलता है, और जीवन के अंत में भगवान का धाम मिलता है। तो भक्ति करने से फायदा ही फायदा है, केवल आनंद कंद, दोनों हाथ में लड्डू है तो कोई हानि नहीं है। ऐसा मत सोचो कि हम भक्ति कर रहे हो कोई गलती कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये भगवान कह रहे हैं ना, यहां अभी कम ना हो अस्ती, इसमें किसी प्रकार का हानि नहीं है, नाश नहीं है। तो एक बात हो गया। दूसरा कहते हैं प्रतवायो न विद्धते, और कोई थकावट नहीं होती है भजन करने में। भजन करोगे थकावट नहीं होगी। एक सिनेमा का गाना होगा, आजकल कौन गाना फेमस है बताओ, कोई देखा है सिनेमा गाना, कौन फेमस गाना है, कोई जानता है यहाँ पर हाथ उठाओ तो, सिनेमा कौन गाना फेमस है आजकल, कोई नहीं जानता है। चल सिनेमा का गाना होगा, आप दिन भर गाओ या दो घंटा गाओ, 10 मिनट गाओ, 20 मिनट गाओ, आप थक जाओगे। लेकिन भगवान का नाम दिन भर गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई थकावट नहीं होती है। इसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता है, मैं आज 40-45 साल से भगवान का नाम ले रहा हूं, लेकिन ये एक्सपीरियंस 3 साल पहले हमको हुआ। एक हमारे मित्र हैं भक्ति प्रिय भागवत महाराज, वो हम लोगों से कहे कि चलो हम गोवर्धन चलते हैं, और वहां पर 64 माला जप करेंगे, 1 लाख जप करेंगे। मैं सोचा मैं अब तक से तो केवल 16 माला किया भैया, 64 माला हुआ कि नहीं होगा, पहले तो यही लग रहा था। लेकिन जब मैं शुरू किया जप करना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा उत्साह हुआ, मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, शांत। अभी इस साल पिछले साल हरिदास ठाकुर का तिरुभाव था, तो महाराज ने कहा कि इस बार हम लोग 3 लाख नाम जप करेंगे, 3 लाख नाम जप करेंगे, 192 माला, कितना, 192 माला। तो उत्साह तो था मेरे मन में, यानी 22 घंटा एक तरफ से देखा जाए तो। हम लोग शुरू किए दूसरे दिन 2 बजे और समाप्त किए 11 बजे रात को, लेकिन जब किए 192 माला जब किए और कोई थकावट नहीं, बड़ा आनंद था, बड़ा आनंद था उसमें। तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, कि भगवान का नाम जप करने में कोई थकावट नहीं है, भगवान का भक्ति करने में कोई थकावट नहीं है। और तीसरा फायदा कहते हैं स्वल्पम अपि धर्मस्य प्रायतो महतो भया, थोड़ा से भी कोई भजन करता है, पूरा मान लो नहीं कर पाया इस जन्म में, थोड़ा ही कर पाया,
स्वल्पम अपि धर्मस्य, थोड़ा सा ही किया। कहते हैं त्रायतो महतो भया, महान महान भय से उस व्यक्ति का रक्षा हो जाता है। एक कथानक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री भगवान का भक्त था, मंत्री को भगवान पर पूर्ण निष्ठा थी, पूर्ण विश्वास था कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, भगवान हमारे बाप माँ हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं, तो भगवान हमारे अहित के लिए काम क्यों करेंगे? वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमारे भलाई के लिए काम करेगा। बाप माँ हमारे शुभ चिंतक हैं, बच्चों को अपने संतान को का जीवन बर्बाद करने के लिए बाप माँ काम नहीं करेंगे। तो वह हमेशा यही करता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छा हुआ। एक दिन राजा आ रहे थे, राजा के पैर में ठोकर लग गया, ठोकर लग गया, खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था। राजा मंत्री के पास आए और कहे मंत्री देखो क्या हो गया, चल रहा था ठोकर लग गया, बड़ा दर्द कर रहा है। मंत्री ने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अब राजा को ठोकर लगा है, पैर दर्द कर रहा है, खून निकल रहा है, और मंत्री कहता अच्छा हो गया उसका पैर कट गया। आप समझ सकते हो कि राजा पर क्या बीतता होगा, एक तो पैर कट रहा है और बदमाश मंत्री कह रहा है कि अच्छा हुआ, कोई मर जाए तो अच्छा हुआ मर गया, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो राजा गुस्सा आया, कहा बदमाश कहीं क्या मेरा पैर कटा है, खून निकल रहा है, दर्द करता है, और तू कह रहा है कि अच्छा हो गया। राजा ने उसको जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद राजा को शिकार करने जाना था, बड़ा शिकार करने गया तो जंगल में गया, उधर आदिवासी लोग थे, उनके सरदार को कोई संतान नहीं था, तो वे लोग एक मनुष्य का एक बलि देना चाहते थे संतान प्राप्त करने के लिए। तो एक मनुष्य को पकड़ कर लाए थे, लेकिन रात को ही वो भाग गया था। तो ढूंढ रहे थे कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे, तब तक से खुदा न खास्ते राजा मिल गए, वो राजा को पकड़ कर ले गए। और सब तैयारी, बलि की तैयारी हो गई, जो पुरोहित जो पन्नी जी थे बलि देने वाले, बलि का पूजा करने वाले, उन्होंने कहा भाई देख लो ये ठीक तो है ना, कहीं झूठा तो नहीं है ना, सब अंग भंग तो नहीं हुआ है। नहलाया गया, उसको वस्त्र पहनाया गया, अब बलि के लिए तैयारी हो गई। जब देखा तो उसका अंगूठा कटा हुआ था, तो उसने पंडित से कह दिया कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। तब पंडित कहा इसको हम बलि नहीं दे सकते हैं, देवी माँ बहुत गुस्सा करेगी, छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। राजा गया सीधे मंत्री के पास और पूरा वृतांत बताया। मंत्री ने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। राजा ने कहा कि मंत्री अब तो मैं भी मानने लगा हूं तुझे बात कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए, यदि मेरा पैर कट गया तो आज मैं बच गया, यदि पैर नहीं कटा हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन मंत्री मुझे ये समझ में नहीं रहा है कि तू भगवान का इतना अच्छा भक्त है, तूने तो कुछ गलती किया नहीं था, तो भगवान ने तुमको जेल में क्यों डलवा दिया, तुमको जेल में क्यों डाल दिया गया? मंत्री कहता है महाराज आप ही सोचो, आप गए थे शिकार करने, यदि मैं जेल में ना होता तो आप अपने साथ मुझको लेकर जाते, आपका पैर तो कटा था आप बच जाते, लेकिन मैं गया था काम से। तो भगवान जो करते हैं तब अच्छा के लिए करते हैं। त्रायतो महतो भयात्, स्वल्पम अपि, थोड़ा भी धर्म करो, विश्वास रखो, थोड़ा सा भी, महान महान भय से, थोड़ा पैर कटा और बलि से वे बच गए। तो भक्ति जितना हो सके करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि मान लो इस जीवन में हम पूरा भजन नहीं कर पाए, केवल 2% भजन कर लिए और देहांत हो गया, फिर जन्म लेंगे तो हम भजन शुरू करें कहां से? 2 से आगे। 2 फिक्स हो गया है। यहां पर यदि हम लोगों को कुछ प्राप्त, कोई बहुत पढ़ लिख गया है, PhD कर लिया, MTech BTech कर लिया, डॉक्टर बन गया, और मरने के बाद फिर क ख ग घ अंग और ABCD शुरू करना पड़ेगा। वो नहीं कह सकता अरे मैं तो डॉक्टर था पहले, नहीं, फिर शुरू करना पड़ेगा नर्सरी से। लेकिन भक्ति में भक्ति का ह्रास नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, भक्ति वहीं रहता है। स्वल्पम वि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, महान भय से रक्षा करता है। और थोड़ा से थोड़ा भक्ति भी जितना किए हैं उतना फिक्स होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान की भक्ति भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पुण्यात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान सब प्रकार से पूर्ण है, भगवान की भक्ति सब प्रकार से पूर्ण है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जितना समय हो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतु महतु भयात्, हम महान भय से, संसार में सबसे बड़ा भय है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय। इस भय से हमें छुटकारा प्राप्त हो सकती है भक्ति करने से। इस भय से हम निर्भय हो सकते हैं भगवान का भक्ति कर कर करके। माता कुंती अपने प्रार्थनाओं में भक्ति का महिमा गाती है, श्रुमन्ति गायन्ति गृणन्त अभिक्षस स्मरन्ति वन्दन्ति तवेहितं जना सएव पश्यन्ति अचिरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्भुजम्। जैसे यहां पर भगवान भक्ति का महत्व बताते हैं, 3 महिमा बताए हैं। एक कहते हैं कि भक्ति में कोई हानि नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। दूसरा कहते हैं भक्ति में थकावट नहीं है। तीसरा बात कहते हैं थोड़ा भी यदि करोगे भक्ति तो महान महान भय से हमारी रक्षा कर देगा भक्ति। वैसे ही बात माता कुंती कहती है, श्रवन्ति गायन्ति गृणन्त अभिक्षणस। अभिक्षणस मतलब क्षण क्षण में निरंतर, कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर भगवान के नाम का कोई श्रवण करता है, श्रवन्ति सुनता है, गायन्ति जो गाता है, श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति जो गुनगुनाता है, स्मरन्ति जो स्मरण करता है भगवान के नामों का, श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्षणस स्मरन्ति नन्दन्ति, जो सुनेगा गाएगा गुनगुनाएगा। तो जो वस्तु हम सुनेंगे, जिसको दिन भर गाएंगे, सपना में भी वही आएगा। तो भगवान का नाम गाएंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, उसी के विषय में सोचते रहेंगे, तो स्मरन्ति स्मरण तब क्या होगा, नन्दन्ति तब आनंद आएगा। भगवान कथा कीर्तन सुनने से सब अंग नन्दन्ति प्रफुल्लित हो जाते हैं, नन्दन्ति तवे हितम जना तव हिते जना। हे भगवान, आप इन सबके हैं, तव हित जना, ये लोग इस संसार में जो लोग ऐसा करते हैं उनको आनंद होता है। तो एव पश्यन्ति अचिरेण तावक, तो एक तो आनंद होगा और एक फायदा, और फायदा आगे बता रहे हैं। तो एव पश्यन्ति, वह व्यक्ति आपका दर्शन करेगा, कैसे, अचिरेण, चिरेण मतलब बहुत दिन के बाद, और अचिरेण मतलब तुरंत,
वो तुरंत आपका दर्शन करेगा। जिम ही कृष्ण का नाम लोगे, कृष्ण जी हुआ पर आकर के नाचेंगे, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। यहां पर पानी 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 करो तो प्यास नहीं बुझेगा बल्कि प्यास बढ़ जाएगा, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो और नाम जप करने का मन करेगा, और नाम जप करने का मन करेगा। तो ही माता कुंती कहते हैं तो एव पश्यन्ति अचिरेण तावक, वह व्यक्ति जो नित्य निरंतर आपका कथा सुनता है, आपका गुणानुवाद करता है, आपका स्मरण करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, और तत्काल जीवन त्यागने के बाद नहीं तो एव पश्यन्ति अचिरेण तावक, वो तुरंत आपका दर्शन करता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप हमको भगवान को दिखा सकते हो क्या, हम दिखा सकते हैं भगवान को, लेकिन भगवान को हम इस इंद्रियों से नहीं देख सकते, इस आंख से भगवान को नहीं देख सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ेंगे भगवान। कोई व्यक्ति काले कोठरी में हो और उसको एक बायक जेठ के चिलचिलाती धूप में कहीं बाहर आप निकाल दो, वो सूरज को देख नहीं पाएगा। चाहे आज भी सूरज को देखना आप चाहो सुबह में, दिखाई नहीं पड़ेंगे सूरज, कितना उसमें प्रकाश है। ठीक वैसे ही हम लोग अज्ञानता रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं, भगवान को देखने के लिए हमें अपने आँख को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, और वे इंद्रियों की शुद्धि होती है भगवान का भक्ति कर करके। कान की शुद्धि होगी भगवान का नाम लेकर के, जीवा की शुद्धि होगी, कान की शुद्धि भगवान कथा सुन करके, जीवा की शुद्धि होगी भगवान का नाम लेकर के। ये कान और जीवा दो ऐसी इंद्रियां हैं जिनका संबंध ब्रेन से है और दिल से है। कान का संबंध दिल से है, यदि कोई व्यक्ति अच्छा बात कर दिया हमारे लिए ना, हमारा प्रशंसा कर दिया, तो दिल कितना खुश हो जाता है, आह क्या क्या बात कर दिया, और वही तो गाली दे दिया तो दिल दुखी हो जाता है। जिह्वा, जिह्वा का दो काम है, एक काम है स्वाद लेना और एक काम है बोलना। इस जिह्वा से यदि हम कृष्ण का प्रसाद खाएं और कृष्ण का नाम लें तो जिह्वा शुद्ध हो जाएगी, और इसका संबंध जो है हमारे इस चेम्बर से है, मन से है। जीवा का संबंध मन से है, जीवा में हड्डी नहीं है ना, जीवा कुछ ही बोल देती है, वैसे ही मन में कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने यहां भी जाएगा वहां भी जाएगा, कहीं भागता रहेगा मन, वैसे ही जीवा भागती रहती है। जो जीवा को अपने वश में कर लेता है वह धीर व्यक्ति कहलाता है। नहीं तो कहा गया है जिह्वा रे लालोच बस इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण ही पाए। जो जिह्वा का नौकर हो जाता है वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिह्वा पर बस विजय करना, तार मध्य जिह्वा अति लभ मय स्टूरमती, सही है ना, हम कहते हैं ना शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रियाता है काल जीव फैले विषय सागरे। जिह्वा पर जय करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए ये प्रसाद है। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और इन विदेशियों को कृष्ण का प्रसाद खिलाए, प्रसाद खाते 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 उनका जो जिह्वा शुद्ध हो गया और मन में कृष्ण का स्मरण होने लगा, तब तो भक्त बने। तो प्रसाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है, प्रसाद खाना चाहिए।
तो जीवा और कान दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वस्तु है. तो जीवा और कान यदि शुद्ध हो जाए, कान शुद्ध हो जाए और जीवा शुद्ध हो जाए. भागवत में वर्णन किया गया है कि जिसके पास कान है लेकिन भगवान का कथा नहीं सुनता है, भगवान का नाम नहीं सुनता है, वह जीवा वैसे बिल के समान है जिसमें विषैले सांप जाते हैं. विषैले सांप तो इसे बिल है, ये होल है ना, और विषैला सांप क्या है, संसार का बात. तो जिस जीवा जिस कान में भगवान कथा नहीं जाता है वह कान उस बिल के समान है जिसमें विषैले सांप प्रवेश करते हैं. और जिसके पास जीवा है और जीवा के साथ में भगवान का नाम नहीं लेता है उसको कहा गया दादुर के समान. वो जीवा दादुरी के समान, दादुर मतलब मेढक होता है, मेढक ट्र 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 करता है बरसात के दिन में, मेढक टटराता है, सांप को बुलाता है आओ मैं यहां पर हूं खा लो मुझको. तो दिन भर जीवा लेकर के बकवास करते रहेंगे, माया को बुलाते हैं आओ मुझे पकड़ो आओ मुझे पकड़ो. तो इसीलिए जीवा को शुद्ध करना और कान को शुद्ध करना बहुत जरूरी है. कान को शुद्ध करने के लिए कृष्ण कथा सुननी चाहिए और जीवा को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. यदि यह काम करेंगे तब हम भगवान को तुरंत दे सकते हैं. तो एव पश्यन्ति अचिरेण तावक, अचिरेण तुरंत वह व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है जो भगवान कथा सुनता है और भगवान का नाम लेता है. दूध के अंदर मक्खन है कि नहीं, है ना, दूध मक्खन देखा आप लोगों ने कभी, देखा दूध मक्खन देखा कभी, सही सही बोलना, दूध में मक्खन है कि नहीं बताओ, है ना. अब मक्खन निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ माता जी लोग, क्या होगा. अरे दूध में मक्खन है उसे कैसे निकालोगे, इसका मतलब आप लोग मक्खन नहीं बनाते गड़बड़ करते हो, बना बनाया खरीदते हो. अरे दूध को जमाओ दही बनाओ पहले, यही ना, और दही को मथनी से मथो ना तब मक्खन निकलेगा, है ना. तो दूध में मक्खन है लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक विधि है, और वो विधि क्या है कि दूध को पहले दही बनाओ बाद में मक्खन निकलेगा. ठीक वैसे ही हमारे इंद्रियों में भगवान को देखने का शक्ति है लेकिन पहले इंद्रियों को शुद्ध करो, शुद्ध करने के बाद ही तब हम भगवान को देख सकते हैं. तो एक फायदा है तो एव पश्यन्ति अचिरेण, और दूसरा कहते हैं तावक, हे कृष्ण वो आपके हो जाते हैं. जिस दिन से कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेना शुरू करता है, जिस दिन से कोई व्यक्ति कृष्ण का कथा सुनना प्रारंभ करता है उस दिन से वह व्यक्ति कृष्ण का हो जाता है. उस पर माया का अधिकार नहीं होता है, उस पर माया का अधिकार नहीं होता है, माया राम राम करती है उससे. जो व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं लेता है माया पकड़ करके उसे धोबिया पाट देती है. धोबिया पाट जानते हो ना, धोबिया पाट जानते हो कि नहीं, देखा धोबिया पाट किसी आप लोगों ने, धोबी क्या करता है कपड़ा करके ढाई ढाई पीटता है साफ करने के लिए, धोबिया पाठ कहते हैं बिहार में. तो धोबिया पाठ माया देती है. कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसारे दुख. माया दुख देती है, देह दे दे करके धोबिया पाठ मारती रहती है. लेकिन जो कृष्ण का हो जाता है, ये जमराज जी का स्टैंडिंग ऑर्डर है जमदूतों के लिए. जमदूतों, ये जमदूत लोग एक बार गलती कर दिए थे, अजामिल के पास गए थे, जो अजामिल बहुत बड़ा पापी था,
जीवन भर पाप किया था, उसको 80 साल का बुढ़ा हो गया तो उसको बेटा हुआ, बहुत बेटे थे लेकिन 80 साल में बुढ़ापा में बेटा हुआ। लेकिन ब्राह्मण का बेटा था, अजामिल पापी बन गया था, लेकिन संस्कार था, तो अपने बच्चे का नाम उसने नारायण रखा था। आप लोग जानते हो कथा ना, कितने लोग जानते हैं अजामिल कथा, हाथ उठाओ तो। हाँ अच्छा, जो खैर जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं उनके लिए भी, तो नारायण नाम रखा था। जब वह मरने को था तो उस समय जमराज के दूत आए उसको ले जाने के लिए। जमराज के दूत बड़े भयंकर खूंखार लगते थे और वो डर गया, उसकी आसक्ति उस बेटे में थी, जोर से पुकारा नारायण नारायण नारायण। जो ही नारायण का नाम लिया, नारायण के दूत आ गए। देखिए कोई भगवान का नाम कैसे भी लेता हो, ज्ञानात अथवा अज्ञानात उत्तम अश्लोक नाम यत संकीर्ततम अघम पुंस यथा देहो था नलह। ज्ञानात अथवा अज्ञानात, कोई जान करके या अनजान में, उत्तम अश्लोक नाम यत, यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, चाहे वह जान कर ले चाहे अनजान में ले, भगवान का नाम उसके समस्त पापों को वैसे ही जला डालता है जिस प्रकार से सूखे हुए घास में कोई आग डाल दे। सूखे हुए घास में कोई आग डाले, छोटा बच्चा डाले या कोई जवान डाले या बूढ़ा डाले, आग अपना शक्ति दिखाएगा। आग नहीं कहेगा ये बच्चा नहीं जानता था डाल दिया इसलिए घास को नहीं जलाएंगे, आग ऐसा सोचेगा? आग जलाएगा, क्योंकि आग का काम है जलाना। वैसे ही भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, कोई जानकर अनजान में कैसे ही भगवान का नाम लेता है तो अपना शक्ति दिखाएगा भगवान का नाम। तो भगवान के दूत आ गए और जमराज के दूतों से अजामिल का रक्षा किए। जब जमराज के दूत लोग हार गए तो पहले बार उनको इनकाउंटर हुआ था, पहले बार वे लोग हारे थे, बड़े दुखी थे और जमराज के पास गए, कहे कि आज के बाद आपका नौकरी हम नहीं करेंगे। अरे ऐसे मालिक का नौकरी करने से क्या फायदा जिसको कोई शक्ति नहीं है। अरे हम लोग पापी अजामिल को लाने के लिए गए थे, ये चार हाथ वाले पता नहीं कहां से आ गए। तो जमराज ने कहा कि बेटा बताओ आखिर हुआ क्या, क्या हो गया? अरे महाराज मत पूछिए क्या हो गया, अरे वो पापी तन से मन से धन से पूरे जीवन पाप कर रहा था और हम उनको लाने गए और नारायण का नाम क्या ले लिया, चार हाथ वाले आ गए। और ऐसे ही नहीं आए, वो पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे, शंख चक्र गदा पद्म सब तात्मिता। अरे महाराज हम लोग जान बचाकर भागे वहां से, पता नहीं क्या होता है, डरे हुए थे। तब जमराज जी को याद आया, करे बड़ा गलती हो गया, तब तो हम लोगों से बड़ा गलती हो गया। तो जमराज के दूत लोग नहीं जानते थे कि भगवान के नाम भगवान भी कोई हैं, वो समझते हमारे यही मालिक हैं, सबसे बड़े यही हैं, अब कोई है ही नहीं। तो जमराज जी भगवान के विषय में बताए, भगवान के भक्ति के विषय में बताए। तब जमदूत लोग पूछे कि महाराज अभी तो हम कन्फ्यूज हो गए, अब तक से जितने मरते थे सबको हम लाते थे, आप बोलते हो कि हरे कृष्ण वालों को मत लाना कभी, तो ये लोग कौन है, किनको आप बताओ क्लियरली कि किनको हम लाएं और किनको हम नहीं लेकर आए। तब जमराज जी बता रहे थे किनको लाना चाहिए और किनको नहीं लाना चाहिए। तो जमराज के दूत लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर है किन किन लोगों को लाने का, आप लोग सुनिए। जमराज जी कहते हैं जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेय चेतस्न स्मर्ति चरणारविंद कृष्णो न नमति जच्छ्रये कदापि। हे दूतों उन लोगों को मेरे पास लाओ, किनको? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिनके पास जिह्वा है लेकिन जिह्वा लेकर के भगवान का गुणानुवाद नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उन दुष्टों को मेरे पास लाओ।
जिह्वान भक्ति भगवत नाम दे चेतस न स्मर्त चरणारविंद, जिनका हृदय पत्थर का हो गया है, भगवान का जो कभी स्मरण नहीं करते हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, उन दुष्टों को लाओ। कृष्णो न नमति चिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी कृष्ण के सामने नहीं झुकता है, उन लोगों को लाओ। और इसके बाद जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के भक्त बन गए हैं, उनके आगे पीछे तुम लोग कभी फटकना मत, वहां पर तुम्हारा दाल नहीं गलेगा। तो जो भगवान का नाम लेता है, माता कुंती का तएव पश्यन्ति अचिरेण तावक, हे कृष्ण वे आपके हो जाते हैं, तावक वे आपके हो जाते हैं। जिस दिन वह व्यक्ति उसका हो जाता है, कृष्ण का हो जाता है, उस दिन से उसका वैल्यू बढ़ जाता है। बड़ा व्यक्ति के साथ में कोई रहे तो वैल्यू बढ़ जाता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। बम्बई में मेरा ड्राइवर है, वो पहले दूसरे गाड़ी चलाता था, अब जिस दिन से मेरा ड्राइविंग करने लगा, अन ड्राइवरों पर वो बोसिंग करना शुरू कर दिया। हमारे पास कंप्लेन आया कि प्रभु जी आपका ड्राइवर है इसलिए अब दादागिरी कर रहा है दूसरे के ऊपर, है बोसिंग कर रहा है। मैं ड्राइवर को फिर डांटा था। तो ये भाव, क्योंकि लोग क्यों डरते थे कि प्रभु जी का ड्राइवर है, तो इसलिए डरते थे। तो तुरंत ही वो भाव आ जाता है। तो जो ही व्यक्ति कोई हरे कृष्ण जप करना शुरू करेगा, भगवान का नाम लेना शुरू करेगा, उसी दिन से वह व्यक्ति भगवान के संरक्षण में हो जाएगा, उसका रक्षा भगवान करेंगे। तो ये वो पश्यन्ति अचिरेण तावक, वो कृष्ण का हो जाएगा, उस पर स्टैंप लग जाएगा कि कृष्ण का है, बस कोई नहीं बोलेगा। स्टैंप लग गया कृष्ण का, कोई नहीं बोलेगा। वो छोड़ुआ सांड हो जाता है, आप जानते हो छोड़ुआ सांड ना, वो सांड पर वो एक मोहर मारते थे, तो कोई किसान लोग उसको नहीं, भाई ये छोड़ा हुआ सांड है, कोई नहीं उसको मारे। तो जो कृष्ण का भजन करने लगता है, स्त्री हो पुरुष, छोड़ुआ सांड के समान हो जाता है। जमराज जी का वहां पर बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। तो ये चार फायदा, पांचवा फायदा माता कुंती कहती है, भव प्रवाहो परमम पदाम्भुज। भव प्रवाहो, ये भौतिक संसार है, इसे भव कहा जाता है। भव का मतलब होता है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का यहां पर प्रवाह है। प्रवाह का मतलब होता है धारा। आप में से कितने लोग हरिद्वार गए हो? हरिद्वार कितने लोग गए हो? आप लोग हरिद्वार में हर की पीढ़ी नाम सुना ना, हर की पीढ़ी, वहां पर स्नान करने के लिए गवर्नमेंट ने चेन लगाया है ना, चेन का व्यवस्था किया है। तो जो व्यक्ति भाई चेन पकड़ करके स्नान करता है, देखो वहां हरिद्वार में गंगा जी में धारा का बहुत प्रवाह है, तो जो व्यक्ति चेन पकड़कर स्नान करता है वो तो सकुशल बाहर निकल जाता है। यदि कोई चेन छोड़कर स्नान करना शुरू करेगा तो गंगा जी उसको मुफ्त में बंगाल के खाड़ी का टिकट दे देगी। तो भव प्रवाहो परमम पदाम्भुजम, जब चेन पकड़कर स्नान करोगे तो बाहर निकल जाओगे। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान का कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का भक्ति करता है, ये चेन है, इसको पकड़ो रहोगे तो भव प्रवाहो परमम पदाम्भुजम, इस प्रवाह से माया संसार से पार हो जाओगे। और जाओ कहाँ? परमम पदाम्भुजम, भगवान के चरण कमलों में जाओगे, भगवान के धाम में जाओगे। तो भक्ति बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम सब लोगों को जो मनुष्य देह प्राप्त किए हैं, हम सब लोगों को चाहिए
कि नित्य निरंतर भगवान का भक्ति करते रहें, यही मानव जन्म की सार्थकता है। और इस कान की स्थापना केवल लोगों को भक्ति देने के लिए है, भक्ति की स्थापना करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर जमशेदपुर में एक छोटा प्रयास किया जा रहा है, हमारे अभिराम प्रभु और जगन्नाथ और सब लोग भक्त मिल करके यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग सब प्रकार से इन भक्तों को सहयोग कीजिए, इनके पास बहुत ही बहुमूल्य धन है। ये भक्ति का धन जो है ये सबसे बड़ा बहुमूल्य धन है, इसके समान और कोई धन नहीं है। ये ऐसा धन है जिसको भाई बांट नहीं सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है, और इस सब जगह काम आएगा। जीते हो तो भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा, हमेशा काम आने वाला यह भक्ति है। तो इस धन को, भक्ति रूपी धन को जो इस्कान के भक्त लोग बांट रहे हैं, आप लोग ग्रहण करो और दूसरों को देने में सहयोग करो। आप भी लो और दूसरों को भी बांटो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।